नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो पेशेंट के प्रॉपर डाइट के बारे में। ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम डाइट भी फॉलो करते हैं तो विटिलिगो बहुत ही जल्दी क्योर किया जा सकता है। आप सभी को पता है और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि आखिर विटिलिगो क्या है। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी कि मेलेनोसाइट्स, जिसमें मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, वो बनना बंद हो जाता है, जिसके वजह से स्किन पे सफ़ेद दाग आना स्टार्ट हो जाता है। अब विटिलिगो पेशेंट को डाइट अगर मैं बताऊं तो उसमें क्या क्या खानी है, क्या क्या नहीं खानी है, आज मैं ये चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखा जाता है कि जिनके स्किन डार्क कलर की होती है उनमें विटिलिगो के कम चांसेस होते हैं, यानी कि वाइट पैचेजेस के कम चांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू फेयर स्किन वालों में। तो अब बात करते हैं कि विटिलिगो पेशेंट को डाइट में क्या अवॉइड करनी है। तो पहला, उनको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, सिट्रस फ्रूट, संतरा, लेमन, अगर ग्रॉस बेरी और टमाटो, और ख़ासकर खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर वो खट्टी चीज़ें लेते हैं तो विटिलिगो के जो पैचेजेस हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल से भी दूर रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, चाय और कॉफ़ी भी रेगुलर बेसिस पे पेशेंट को इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर वो रेगुलर बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं तो उनके वाइट पैचेजेस जो हैं वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही इंक्रीज होती जाएगी अगर आप चाय और कॉफ़ी रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। साथ ही साथ विटिलिगो पेशेंट को फिश भी अवॉइड करना होता है। ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट अगर वो फिश को कंज्यूम करते हैं तो भी उनके विटिलिगो के पैचेजेस जो हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं। वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम उनका इतना अच्छा होता है कि वो फिश को बहुत ही अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उनके पैचेजेस जो हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं। अब बात करें जैसे कि वीट हो गया, यानी कि मैदे की बात करें हम, मैदे से बनी चीज़ें वो भी पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। बाहर के जितने भी फास्ट फूड हैं, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, या कोई भी फ्राइज चीज़ हो, अगर विटिलिगो पेशेंट इनटेक कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे उनके विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग जो है वो उनके स्किन पर बढ़े नहीं, वहीं पे कंट्रोल रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो तो मैंने अब आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि विटिलिगो पेशेंट क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो विटिलिगो पेशेंट को अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रखती है वो है विटामिन्स और मिनरल्स, यानी कि आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर, सब पे ध्यान देना होता है। जिन भी चीज़ों में आयरन, यानी कि साग, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जो कि आपके विटिलिगो को थोड़ा सा वो क्योर करेगा और पैचेजेस को फैलने नहीं देगा। हो सके तो आप कॉपर के बॉटल में रात के टाइम पे, कॉपर का एक बर्तन आता है या ग्लास कह लीजिए, आप उसको रात के टाइम पे अगर पानी भर के रखते हैं, और दिन के टाइम पे अगर आप सुबह उठ के खाली पेट कॉपर के बर्तन में से पानी पीते हैं, तो आपका जो वाइट पैचेजेस है वो भी धीरे धीरे क्योर होने लगेगा, यानी कि आप क्योर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में कॉपर की कमी है तो आपको कॉपर के बॉटल में पानी पीने से आपके कॉपर की कमी जो होगी वो फुलफिल होगी और आपका विटिलिगो जो होगा वो क्योर की तरफ जाएगा। कुछ हम ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, फिक्स यानी कि अंजीर हो गया, और खजूर जिसको डेट्स कहा जाता है, आप ये भी अपने रेगुलर के बेसिस पे शामिल खाने में कर सकते हैं। बॉटल ग्राउंड यानी कि लौकी और बिटर ग्राउंड यानी कि करेला, आप इनका जूस रेगुलर बेसिस पे सुबह उठ के अगर आप यूज़ करें तो भी आपका विटिलिगो वो क्योर की तरफ बढ़ा जा सकता है और विटिलिगो आपका ठीक भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप डाइट प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के गाइडेंस के साथ अगर आप चल रहे हैं, तो आपका विटिलिगो 100% क्योर हो सकता है। जो भी पेशेंट विटिलिगो या स्किन डिजीज से सफ़र कर रहे हैं वो हमारे भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स टीम है जो पहले आपका केस स्टडी करेगी, केस टेकिंग लेगी, देन उसके बाद आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगी।
अगर आप डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं।